इसलिए मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, बाद में आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, समझना। बच्चे बिल्कुल सीधे सीधे बोल देते हैं। हाँ, कल की बात है, वो छोटा बच्चा, उसके सामने बात चल रही थी, तो उस पापा ने बोला कि भाई ये अपना मोबाइल लेता है और मोबाइल लेकर के मेरा मोबाइल बस खेलता रहता है, और फोन आते हैं तो उनको भी काट देता है। तो फट से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं फोन काटता नहीं हूँ, पापा ही कह देते हैं काट दे, पापा ही कह रहे हैं, बोले काट दे, वो सच बोल देगा। हाँ, पिता ने बोला अंदर से कि जाओ अंकल आए हैं, जाकर के बोल दो घर में पापा नहीं है करके बोल दो। बाहर गया और अंकल जी पापा कह रहे हैं कि घर में पापा नहीं है, बोल दो। हाँ, दर्पण की तरह होते हैं बच्चे, बिल्कुल दर्पण की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलेगा। जैसे आप हैं वैसे ही आपकी यथास्थिति का दर्शन करा देगा, स्वदर्शन करा देगा। उसी तरह से बच्चे होते हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं आपको बता देगा। हाँ, एक गांव में एक बारात आई, बड़े आदमी की बारात थी, और बड़े गांव बड़े आदमी के यहाँ की बारात, तो गांव के लोग सारे एकत्रित हुए, बच्चे भी आए, बच्चे भी वहाँ पर हैं। अब बच्चों ने देखा कि सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जो बच्चे थे वो कह नहीं नहीं मोटू है, मोटू वो नहीं, वो लाग लपेट नहीं रखते, वो जैसा है बोल देंगे। अब उसको आई गुस्सा आई, तो उसने निकाला और जो पहले रखते थे जमाने में वो छुरी उरी रखते थे, वो छुरी निकाला ऐसे से। तो वो कहने लगे नहीं नहीं ये तो पागल भी है। हाँ, बच्चे बच्चे हैं, जैसा आप हैं वैसे ही बच्चे बता देंगे। संस्कारों की जननी माता पिता की गोद है, इसलिए माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे यहाँ सत्संग भी जो है, सत्संग भी एक गोद है, यहाँ से भी संस्कार मिलते हैं। हम सब परमात्मा के बच्चे ही तो हैं, और हम सब बच्चों को संस्कार चाहिए तो सत्संग की गोद में जाकर के बैठें। जैसे माता पिता अपनी ममता का अभिसिंचन करते हैं, सत्संग में भी आपको आनंद का ही अभिसिंचन होता है, भगवत प्रेम का अभिसिंचन होता है। इसलिए सत्संग में आप इतना देर जहाँ बैठते हो, आप इतने देर कहीं और एक जगह बैठकर बैठ सकते हो टिक करके, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे नहीं बैठ सकते, पर यहाँ बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की ममता की कृपा की प्रेम की छांव है, सत्संग की गोद है, सत्संग की गोद में हम बैठे हैं, भगवान की प्रेम की छांव में बैठे हैं, तो फिर और कोई दरकार नहीं रहती, इसलिए आनंद की अनुभूति होती है। विगत कथा प्रसंग में हम सब अवगाहन कर रहे थे कि रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ में विवाह हुआ है। भगवान के ये विवाह हुए तो भगवान के और भी